Algebraic relationship on the basis of the given thermochemical equation is correct. C option correct दिख रहा है, obvious से बात है, ठीक है. Should I solve on the board? ठीक है. Question number 47. The direct conversion of A to B is difficult. ठीक है. Hence it is carried out the following path. A से C गया, C से D गया, D से B गया, right? और A से C दिया हुआ है, C से D दिया और B से D दिया हुआ है, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी चेंज. तो बस दोनों का ऐड कर दो, सबको A से C वाले को ऐड कर दो, C से D वाले को और D से B वाले को. वो टोटल किसके बराबर होगा? A टू B वाले के, बिकॉज एंट्रोपी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे बेटा आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज कवर्ड बीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवन सिस्टम. 47 सॉल्व करो. क्या उसका A है? B है, ठीक है. प्लस हाँ वो माइनस हो जाएगा, D से B है, बराबर है. 48 नंबर क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रेजेंस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम. थ्योरी पेपर का क्वेश्चन था क्या? ओके चलो. क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला? द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मुलेटेड बाय नर्न्स्ट व्हिच हेल्प्स टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज थर्ड लॉ. गुड. 50 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द रिएक्शन ऑलवेज फिजिबल? सी डेल्टा एच नेगेटिव और टी डेल्टा एच क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. तो डेल्टा जी मेरा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा उससे हमेशा. क्वेश्चन नंबर 51 द प्रेशर वॉल्यूम वर्क और एन आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन माइनस पी डी वी. ठीक है चलो. द वर्क कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पी वी प्लॉट बाय यूजिंग द एरिया अंडर द कर्व स्पेसिफाइड लिमिट व्हेन द आइडियल गैस इज कंप्रेस फर्स्ट रिवर्सेबली सेकेंड इवर्सिबल फ्रॉम वी आई टू वी आई. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा एक्सपेंशन है ना, कंप्रेशन है, तो रिवर्सिबली हो तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा और इरिवर्सिबल हो तो ग्राफ ऐसा रहेगा. तो ऑब्वियस बात है ये वाला वर्क डन इरिवर्सिबल ज़्यादा होगा रिवर्सिबल से, बराबर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 52 ए प्लस बी टेन टू सी प्लस डी प्लस क्यू इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज. मतलब डेल्टा एच बराबर उसने कितना दिया हुआ है? प्लस क्यू दिया हुआ है. और डेल्टा एस बराबर उसने क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया हुआ है. द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर. एनी टेम्परेचर नो डाउट इसमें. कोई डाउट है इसमें? डाउट है. क्या डाउट है इसमें? एक्चुअली ये हीट ये माइनस क्यू एक्चुअली डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगा. दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी सपोर्टिंग फैक्टर और ये भी सपोर्टिंग फैक्टर है. आप ऐसे देखिए ना, और जब दोनों फैक्टर सपोर्टिंग है तो किसी भी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, राइट बराबर. क्वेश्चन नंबर 53 द एंथैल्पी चेंज. हाँ थर्मोकेमिस्ट्री का कर लिया होगा आई थिंक तुमने, है ना. क्वेश्चन नंबर 54 द एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग एक्सप्रेशन डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी. ठीक है. व्हेन वाटर फ्रीजेस इन अ ग्लास बीकर चूज द, अच्छा क्यू रिवर्सिबल बाय टी, वाटर फ्रीज हो रहा है ठीक है ग्लास बीकर में, तो डेल्टा सिस्टम डिक्रीजेज बट डेल्टा रिमेन कॉन्स्टेंट, डेल्टा सिस्टम इंक्रीज बट डेल्टा सराउंडिंग डिक्रीजेज, और डेल्टा सिस्टम डिक्रीज बट डेल्टा इंक्रीजेज एंड डेल्टा सिस्टम डिक्रीज एंड डेल्टा सराउंडिंग ऑल्सो डिक्रीजेज. चलो क्या ऑप्शन होगा? बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? आइस रिलीज, हीट रिलीज करेगा, ये हीट रिलीज करते उसकी खुद की एंट्रॉपी घटेगी, सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एंट्रॉपी बढ़ेगी. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 58 द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN विथ डाई ऑक्सीजन कैन बी कैरिड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर
एंड डेल्टा यू। सुन देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर में कभी भी कोई एनर्जी रिलीज होती है वो डेल्टा यू होता है, डेल्टा एच कभी नहीं होता। हालांकि उन्होंने दे दिया है, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर एक वो डिवाइस है जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो इस बात को याद रखना। हालांकि कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ईजी ही क्वेश्चन है। डेल्टा यू फाउंड टू भी इतना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब रिएक्शन भी दिया वही उन्होंने। हालांकि देखो, अगर इस क्वेश्चन को बेहतरीन बनाना होता तो इसका रिएक्शन नहीं देना चाहिए था उसको। अगर ये क्वेश्चन बेहतरीन बनाना होता तो इसका रिएक्शन नहीं देता, आपको खुद प्रिडिक्ट करना होता था कि ये एक्चुअली क्या फॉर्म करेगा। तो कार्बन है, देखो NH4CN है, C है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइ, H है तो H2O, नाइट्रोजन है तो सिर्फ N2 गैस रिलीज होती है। 56 नंबर, डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -6, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H क्या होगा। CH4 को अगर मैं बात करूँ CH4 प्लस O2 क्या देगा, CO2 प्लस 2H2O, तो 2 और 2 4, तो ये हो डेल्टा एन जी, यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 0। डेल्टा एन जी 0 है, हाँ डेल्टा एन जी 0 है ना, तो कंबसन ऑफ मिथेन इज इक्वल टू क्या गैस, हाँ तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, शिट टेम्परेचर नहीं पता था यार, मैं ही बता रहा हूँ, मैं ही भूल गया। बरोबर, तो डेल्टा एच क्या होगा यहाँ, डेल्टा एन जी कितना होगा, माइनस टू हो जाएगा, तो इसमें आंसर क्या होगा, डेल्टा एच विल बी स्मॉलर देन डेल्टा यू। ठीक है, 57 थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी यूज टू डिटरमाइन हीट चेंज हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क और हुज वैल्यू डिपेंड ऑन टेम्परेचर, आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज सिस्टम, वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क, वाटर इन क्लोज्ड बीकर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द मैच द कॉलम इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम, ओपन सिस्टम है आई थिंक ये कर लिया होगा, एनर्जी एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एनर्जी, 1 का बी हो जाएगा, 2 का क्या होगा ए होगा, और सी का क्या होगा, 3 का सी हो जाएगा। बराबर, ठीक है, 60 का, वर्क डन बाय द आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो मेरे हिसाब से बी करेक्ट है, इरिवर्सिबल है ना वो, क्योंकि 61 द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी अलोंग 2 डिफरेंट पाथ, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम अलोंग दिस पाथ्स आर Q1, Q2, W1 एंड W2। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम ये दोनों में, और Q1, Q2 प्लस में ही है। बराबर, तो Q1 प्लस W1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W2, क्योंकि डेल्टा यू सेम होगा ना रे दोनों पाथ के लिए। अच्छा हाँ, Q1 माइनस W1 इज इक्वल टू Q2 माइनस W2, तो क्या हो जाएगा रे, क्या आंसर आएगा फिर, ठीक है, नेगेटिव होता है, नहीं नहीं नहीं, वर्क डन साइन के साथ लेना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ में यही मैंने तुमको बताया था, याद करो, फ्लॉट में साइन कन्वेंशन के साथ, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, समझ में आया, तेरे कितना है तेरे इसको, 87 बहुत स्कोर लिया है ऐसे पेपर में भी, किसी के भी स्कोर नहीं, किसी के भी नहीं, पता नहीं भगवान जाने क्या पढ़ाई करते हो यार तुम, क्यों है ऑलमोस्ट, तुमने बाद में चेक किया कितने मार्क्स आ रहे तुम्हारे, 87 ही आ रहे थे, तुमने खुद जब आंसर खुद से सॉल्व करते हो तो टिक तो मारते होगे ना तुम, तो तुमने दोबारा चेक किया था फिर जाके पेपर कि कितने स्कोर हो रहे हैं, उतने ही स्कोर हो रहे थे। अरे मुझे लगा कहीं प्रिंट वो तो नहीं, सॉफ्टवेयर में तो कोई गलती नहीं है ना, तुम्हारा ही प्रॉब्लम है इसका मतलब, गॉट इट, विच वन इज ट्रू, नहीं नहीं तुम्हारा ही में प्रॉब्लम हो समझ,
हाँ इसलिए नहीं नहीं करेक्ट बात बोल रहे हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग, ओके गुड फॉर नथिंग। अबे गधे कहीं के उसको क्यों हिला रहा, नालायक कहीं के। तो उधर बैठ जा, जरूरी थोड़ी है तेरे को इधर बैठ, इधर बैठ जा, उस पे बैठ जा ना, तो वो थोड़ा उधर बैठ जाएगी, खत्म। अच्छा विच वन इज 262 नंबर, सबसे हाई यूनिट कौन होती है, अर्घ, सॉरी कैलरी, कैलरी के बाद क्या होता है, जूल, उसके बाद चलो 63 नंबर डेल्टा ऑप्शन, ये था आई थिंक डायरेक्ट कर दिया होगा तुमने, क्या होगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी होता है, अरे बी गधे कहीं के। ओ भाई अभी सही है ना, भूख के वजह से दिमाग तो नहीं खराब हो रहा ना तेरा, इधर के रोजा रखा है क्या अभी, कल से है, और आज से ही दिमाग खराब हो गया क्या तेरा भूख के वजह से, ना लाइक कहीं के थोड़ा तो। अरे वाह 72 नंबर तो क्लास में ही बताया था ना मैंने तुमको, 72 नंबर जी एडवांस का क्वेश्चन था ये, मैंने आपको बताया था, आई थिंक ये क्लास का ही क्वेश्चन था ये, यही हाँ गुड सही है, बस तेको वही याद है, बाकी जो पता है वो कुछ याद नहीं तुझे। क्वेश्चन 64, द टेम्परेचर एट विच चेंज ओवर बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर अकर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय सी, है सी बराबर है ना, 65 एंट्रोपी वैल्यू, एंट्रोपी वैल्यू दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना था इसमें बराबर। ऑनलाइन वालों से निवेदन है कि जिसको अगर मान लो जो मैंने सॉल्व नहीं किया वो प्लीज़ एक बार मेरे को मैसेज करके पूछ ले, क्योंकि मैं थर्मोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आसान आसानी है इसके अंदर, है ना। चलो 66 नंबर हो जाएगा, 66 नंबर क्या है, कॉलम वन आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन डी माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई बी वन, और क्या हो सकता है, बस एक ही ऑप्शन। देखो इसका अच्छा क्वेश्चन बेहतरीन मैच द कॉलम, पता है कि एक से ज़्यादा और ऑप्शन हो, नहीं है समझ में, तब और मज़ा आता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन के लिए एक ही ऑप्शन है ना, हाँ एक का चार चार होता है, यही एडवांस में क्या होता है, एक ऑप्शन के चार चार आंसर होते हैं, तो ये एडवांस हो जाता है बस। एडियाबैटिक में क्या होगा, डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू, ऑप्शन थ्री है ना, ए का फोर बी का थ्री सी का टू डी का वन, ऑप्शन ए। गिवन दैट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इतना हीट ऑफ कंबसन ऑफ एसिटिलीन, हीट ऑफ कंबसन ऑफ इथाइलिन, ये तो कर लिया होगा तुमने मेरे हिसाब से, नहीं आया आंसर, आंसर ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो और उन्होंने क्या दिया हुआ बी, चलो चेक कर लेते अभी इसमें क्या है, 67 माइनस 172.12 किलो जूल बराबर आ रहा है। अरे नालायको, उन्होंने डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा एच नहीं पूछा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, डेल्टा एच नहीं पूछा है, गधो गधो कांस्टेंट वॉल्यूम, बेहतरीन क्वेश्चन मेरे नकोड नज़र में, मैं वही सोचूं यार ऐसे क्वेश्चन तो कुछ था नहीं, तुमने डायरेक्ट डेल्टा एच निकाला, डेल्टा एच ऑप्शन ए करेक्ट है, डेल्टा एच की वैल्यू ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए में कितना, हाँ माइनस 174.6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन उसने डेल्टा यू पूछा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जो तुमने लगा है इसलिए टेम्परेचर दिया उन्होंने, समझ में आया, कर लिए होगे आप तो। 68 नंबर, फॉर द चेंज कार्बन डायमंड टू ग्रेफाइट, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1.89 किलो जूल सिक्स ग्राम ऑफ, आई थिंक ये क्लास का ही क्वेश्चन है ना, ये किसी ने पूछा था, अवस्थी का क्वेश्चन है ये, अवस्थी का क्वेश्चन है ये, हो गया था सबसे कह लिया था, ठीक है। 69, वर्क डन इन अर्क्स फॉर अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम 20 लीटर टू 40 लीटर, क्या होगा, आसान तो है, डी डायरेक्ट डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, आपको यहाँ ऑप्शन से ही चलना था एक्चुअली में,
क्योंकि आपको यहाँ पता नहीं कि यह कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ये चलना था इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, बट कभी कभी आप ऑप्शन से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि ये देख के। ठीक है, 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक बोला है, कंबसन एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर क्या है, एंडोथर्मिक है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेन टू इथिलीन, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, ग्रेफाइट टू डायमंड क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, और इथेन टू इथिलीन एंडोथर्मिक होता है ये भी। ठीक है, क्यों, क्या आंसर दिया उन्होंने, डी, बराबर है। 71, इफ द हीट ऑफ कंबसन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, आई थिंक ये क्लास का ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, है ना, आसान सा ही क्वेश्चन है। कंबसन दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबसन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ उन्होंने, एक्चुअली डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा एच पूछा उन्होंने, बराबर। इसका रिएक्शन क्या होगा बेंजोइक एसिड का, C6H5COOH सॉलिड है, इसको मैंने ऑक्सीजन किया तो क्या देगा, 6CO2 गैस प्लस 7CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड, बराबर, अच्छा सॉरी 3H2O, तो 17 बाई 2 तो कितना होगा, -1.5 डेल्टा एन जी, कर लोगे अब आप। क्वेश्चन नंबर 72, आई थिंक क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कशन किया भी है मैंने, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी है, डी ना, डी डी डी, अच्छा नॉट करेक्ट बोला है क्या उन्होंने, ओके, T1 इज इक्वल टू T2 है, T3 विल बी ग्रेटर देन T1, नो, ये ऑप्शन बी गलत दिया उन्होंने, क्यों, रिवर्सिव हमेशा बोला एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो मतलब क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, एसी हमेशा याद रखना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे रहता है, तो टेम्परेचर घटा तो T1 से T3 क्या, मतलब ऑब्वियस सी बात है T1 बराबर T2 है, तो T2 विल बी ग्रेटर देन एनी हाउ T3, या T1 विल बी ग्रेटर देन T3, बट T3 कांट बी ग्रेटर देन T1, नहीं समझ में आया, ये क्लास का ही क्वेश्चन डिस्कशन किया हुआ था मेरा। चलो क्वेश्चन नंबर 73, देन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड बोथ रिवर्सिबली एंड इररिवर्सिबली इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब सराउंडिंग का कोई केस नहीं होगा यहाँ पे। इफ Ti इज द इनिशियल टेम्परेचर, Tf इज द फाइनल टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एडियाबैटिक है ना, वो तो हमेशा ही बताया, इरिवर्सिबल का हमेशा फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है किसी भी केस में, देख रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे नोट्स ढंग से पढ़ो, इससे ज़्यादा हाई लेवल नीट में नहीं आ सकता, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीट, समझ लो स्टैंडर्ड पेपर, बहुत स्टैंडर्ड पेपर, इससे ज़्यादा हाई लेवल नीट में नहीं जा सकता, समझ रहे हो बात को। और दूसरा बात क्या था, ये तो थर्मोडायनेमिक्स है टफेस्ट टॉपिक, और उसमें भी न्यूमेरिकल इतने सारे हैं, जबकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आएगा तो पेपर थोड़ा क्या होता, डाउन हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। क्वेश्चन नंबर 74, डेल्टा एस नॉट सी आ जाएगा आंसर, 75 कर लिया होगा बॉन्ड एनर्जी वाला, हाँ कर लिया था, कोई डाउट नहीं उसमें। 76 वाला, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर किया था ये वाला, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, तो डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये फॉर्मूला लगता है, क्या बोला, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, अच्छा आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है आपको, तो मेल्टिंग वाला होना चाहिए, तो डेल्टा H क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, डेल्टा S क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव होगा, अच्छा सॉरी हाँ डेल्टा एस पॉजिटिव, हाँ बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गया, ये पॉजिटिव बराबर, और हाई टेम्परेचर पे ऑब्वियस बात है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी कैसे हो जाएगा रे? डी ना, हाँ डी, हाँ बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट फॉल्स? डी ए बाई डी टी फॉर आइडियल गैस, डी ए बाई डी टी, अच्छा डेल्टा, अच्छा ये तुम क्वेश्चन बोल सकते हो। ऑप्शन डी है किसका आंसर? फॉल्स स्टेटमेंट बोला है क्या? डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। डी यू बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है? सी वी। तो ऑप्शन ही गलत हो गया ना। अरे ई मतलब ई, मैंने आपको याद बताया भी था, ई या यू मतलब इंटरनल एनर्जी होता है। 78 क्या कर लिया होगा? 78 थर्मोकेमिस्ट्री देख रहा, आसान है थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। 78 नंबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच पूछा है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर Q1 एंड Q2, ठीक है, एंड Q3 इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच, देन द हीट ऑफ द रिएक्शन। कुछ नहीं था बेटा, कार्बन सॉलिड था प्लस टाइस ऑफ हाइड्रोजन गैस है, और ये क्या बना रहा है? CH4 गैस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहले मैं किस में कन्वर्ट करूँगा? कार्बन गैस में Q1 है, यहाँ से यहाँ मैं किस में कन्वर्ट करूँगा? 4 हाइड्रोजन गैस में। तो यहाँ पे कितना अमाउंट रिलीज करूँगा मैं? 2Q2, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा? Q1 प्लस 2Q2। अब एनर्जी रिलीज कितना होगा? एनर्जी रिलीज आप देखिए, कार्बन के कितने 4 बॉन्ड है, तो 4Q3, तो कितना हो जाएगा? -4Q3। इसी पैटर्न, ये पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो थर्मोकेमिस्ट्री पे। एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज, बस एरो देते जाओ, रिएक्टेंट बनाओ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ, खत्म, बस एनर्जी। हाँ क्या दिया? आंसर सी है। हाँ उन्होंने क्या दिया हुआ? डी दिया हुआ है। नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा। सॉरी, बराबर है ना रे? एटमाइजेशन तो एटम के लिए होता है ना, सिली मिस्टेक। कितने मोल एटम बन रहे? 4। तुम्हारे साथ रह रहा कि यार मेरा भी IQ थोड़ा नहीं नहीं इक्विलिब्रियम पे आना ही नहीं है ना तुम्हारे साथ, मेरे को बर्बाद हो जाऊंगा मैं। रोटरी सैलरी देना बंद कर देगा मुझे। अरे बेकार है। मत पूछा करो, अभी बहुत किस्मत खराब चल रही है। सैमसंग का कल देखे थे? संजू सैमसंग का कल जबरदस्त, वो लास्ट बॉल गलती कर दिया, वो उसका लग आधा घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन देखने लायक मैच था, नो डाउट, कल अच्छा था। अभी यही तो एक टाइम पास का जरिया, रे बाबा। तो अभी लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर है फिक्स है ना लॉकडाउन? ना लायको पढ़ाई करना है लॉकडाउन में, समझ में आ रहा ना? हाँ अरे तो मैंने बोला था अगर लॉकडाउन, मैंने अगर बोला था कंडीशन। अरे मुझे भी लगा कि लॉकडाउन हो जाएगा, मैंने बोला अगर लॉकडाउन होता है तो पढ़ाई करना तुम। अरे जैसे हर वीक में एक वीक का टाइम लेना, एक चैप्टर कंप्लीट करना, उस वीक में उस चैप्टर को डिस्कशन कर लेंगे। यार दिस इज नॉट माई डिसीजन, वो मैनेजमेंट का डिसीजन था, मैंने हालांकि नहीं रखा था वो टॉपिक, उन्होंने चेंज किया था। अभी क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव आज कब है पेपर तुम्हारा? ओके देखते हैं, चलो ठीक है देखते हैं, कर ट्राई करो, शायद हो जाए, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। शीट दो, केमिकल बॉन्डिंग की शीट दो। किसने? ठीक है मैं भेजता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है आज भेजता हूँ तुमको मैं। अच्छा जो थर्मोकेमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स का शीट दिया था वो परफेक्ट था शीट?
सही था आकाश का, वही सीट देता हूँ मैं आकाश का. फाइव मोल्स ऑफ ए गैस इज पुट थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस एज शोन ग्राफिकली इन अ साइक्लिक प्रोसेस. द प्रोसेस ए से बी गया है, आसान सही था. ए से फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है. तो पहला ऑप्शन वॉल्यूम और टेम्परेचर का है ना, तो ये आइसोकोरिक हो जाएगा, ये आइसोथर्मल और ये आइसोबैरिक हो जाएगा. खत्म, आसान सा क्वेश्चन था. केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 298 केल्विन बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट 350 केल्विन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ए, देखने से समझ में आ रहा. अ प्लॉट ऑफ एलन के बाय अगेंस्ट 1/T इज एक्सपेक्टेड. वो याद है फॉर्मूला, एलन के बराबर क्या होता था, डेल्टा एच बाय डेल्टा एच बाय इसी पे ये ग्राफ था. क्या बोला उसने, इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट ऑन ऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल टू. नहीं नहीं, इसमें पूछा क्या, इंटरसेप्ट पूछा है क्या? अरे खाली इंटरसेप्ट पूछा है क्या? हाँ, तो आ तो गया डेल्टा एस बाई आर. ठीक है, क्या ऑप्शन बी है? ठीक है, 82 नंबर सॉल्व किया है, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है. 83 सॉल्व किया. एक्चुअली 83 जो है आपका, वो आप बोल सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है. हाँ, ये थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स का उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया. 83 आप बोनस ले सकते हो. हाँ, हालांकि आप ये एक्चुअली E1 इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एक्टिवेशन ऑफ द प्रोडक्ट, देन व्हाट इज द रिएक्टेंट. तो आपको याद होगा डेल्टा एच बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड. फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट और बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट. वही था ये. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज करेक्ट. DG बराबर VdP माइनस SdT करेक्ट है. कौन सा इज करेक्ट, हम यही करेक्ट है, बाकी तो गलत है. 85 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक कंडीशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सॉरी डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, और यू माइनस TS प्लस PV. ऑप्शन बी है ना, करेक्ट. 86, फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी चेंजिंग किलो जूल पर मोल व्हेन द लिक्विड वाटर बॉल्स एट 1 एटमॉस्फेयर आर रिस्पेक्टिवली. एक मिनट, उसका आंसर क्या दिया उन्होंने, उसे कुछ सी. अच्छा, दोनों पूछा है, फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी चेंज. ठीक है, तो देखो इधर मुझे पता है डेल्टा एच की वैल्यू. डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, एम एस डेल्टा टी. तो सिर्फ एम एस में लिखूँगा, स्पेसिफिक हीट है ना, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, तो एम एल भी लेते हैं ना एक डेल्टा एच का, क्यू बराबर एम एल, क्यू एम एल. तो हीट एक्शन रेट कॉन्स्टेंट प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच लिख सकता हूँ. तो एम एल, तो एम कितना हो जाएगा 18 और एल कितना हो जाएगा 2.0723 किलो जूल पर ग्राम में. ठीक है, जहाँ से डेल्टा एच आ जाएगा, ठीक है, लेट इट बी ये अल्फा वैल्यू आई, कितनी आई अल्फा. ठीक है, अब मुझे पता है डेल्टा एस बराबर क्या होता है, डेल्टा एच बाय टी, ये फॉर्मूला होता है बराबर हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो ये डेल्टा एच निकाला मैंने, अल्फा बाय टी टेम्परेचर उन्होंने दिया है क्या, अच्छा बॉइलिंग है, तो 2373 केल्विन यूज़ कर सकते हो. तो लेट यहाँ पे अल्फा बाय 373 केल्विन, लेट इट भी ये वैल्यू बीटा आई मेरी, लेट इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आई, बीटा आई. ठीक है,
अब उसने क्या पूछा, फ्री एनर्जी चेंज तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो लेट इट बी अल्फा माइनस 373 इंटू बीटा। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर मिलेगा। अब ये मत सोचना कि अल्फा बाय 373 यहाँ पुट करके वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलेगी इसके अंदर, समझ में आई बात। हाँ, वो अपना दिमाग कम लगाओ, ठीक है, सॉल्व कर लो, ज़्यादा भलाई है उसमें तुम्हारी। हाँ, वो पता है लॉजिक करेक्ट है, बट वैल्यू आएगी इसकी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 कर लिया होगा, फॉर्मेशन दिया हुआ उसने, 88 भी कर लिया होगा तुमने, है ना। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी माइनस आर टी, के पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर होगा सिर्फ, सॉलिड है वो, तो डेल्टा माइनस आर टी एल एन पी स्क्वायर, एल एन पी स्क्वायर बराबर होगा माइनस टू आर टी एल एन पी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, डी दिया वो उन्होंने फ्री एन, सी आएगा, सिर्फ सी आएगा, एक मिनट चेक करना तो, एक्चुअली उन्होंने आंसर की में गलत दिया रहता है और सॉल्यूशन में कुछ गलत देते हैं। बराबर है, करेक्ट। कैसे NH4 है, देखो इक्विलिब्रियम प्रेशर P है, बराबर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, देखो इतना सिली मिस्टेक है, देखो अब तुम हंसोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, तो क्या लिख सकता हूँ, P/2। जब टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे P है तो दोनों पे प्रेशर 1:1 का रेशियो पे डिवाइड होगा, KP का इक्वेशन क्या बनेगा, तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, माइनस आर टी एल एन पी बाई टू का होल स्क्वायर, बराबर, तो माइनस टू आर टी एल एन पी माइनस एल एन टू। देख रहे, छोटा सा सिली मिस्टेक, एकदम सिली मिस्टेक था ये, ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं इसका एक्चुअली में, यही क्वेश्चन अच्छे रहते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो इसका मैं 5 में से 5 दूंगा इस क्वेश्चन को, जो एकदम 100% बच्चा गलत करके आएगा, हड़बड़ी में एकदम, इसको वही बोलते हैं हड़बड़ी में एकदम गलती करना। चलो 89 नंबर बना लिया होगा, नहीं बनाया, 90 नंबर तो बना लिया होगा, चलो 89 इन अ फ्यूल सेल मिथेनॉल इज यूज एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन गैस यूज एज ऑक्सीडाइजर, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज किया इतना मिला, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इज दिस 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 इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ मिथेनॉल, इफिशियंसी पूछी उसने, राइट, क्या पूछी मेरे से, इफिशियंसी। एक्चुअली इफिशियंसी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखना, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100, ठीक है, अब डायरेक्ट आ जाएगा, उतना डेराइव नहीं कर रहा मैं, बट याद रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो आई होप सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, मैं आपको भेज, पूरा आएगा रेडॉक्स टाइट्रेशन छोड़ के बाकी सब आएगा तुमको, टाइट्रेशन से पहले इक्विवेलेंट कौन सा पूरा आएगा याद रखना, इक्विवेलेंट कौन सा पूरा आएगा, मैंने क्या बोला, टाइट्रेशन के जो लास्ट के दो लेक्चर हैं, जो मैंने लास्ट के जो दो लेक्चर लिए थे उसको छोड़ देना, बाकी उससे पहले जितने भी हैं सब तुम्हारे आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इतना कोई काम, इतना और कोई डाउट है, चलो थैंक यू वेरी मच। It's good, dude.
Yeah.